है, अब हम क्या करेंगे, इसको निगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसको बोला जाता है निगेटिव, क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले अगर 1000 एप्लीकेशन हमारे पास आए तो पहले हम क्या करेंगे, 500 को निगलेट करेंगे, मतलब हटाएंगे। कैसे, बहुत सारे रीजन हो सकते, हो सकता है कोई उसके पात्र हो और कोई अपात्र। अभी देखो जैसे टीचिंग के लिए अगर हम देखते हैं तो हो सकता है कि जो उसने क्वालिफिकेशन मांगा था कुछ के पास नहीं होंगे, कुछ के पास वो मीडियम नहीं होगा, कुछ के पास बीएड नहीं होगा, बहुत सारे। तो ये सारे रीजन में आधे तो ऐसे ही छट आ गए, फिर आधे जो बचे उनका फिर वो अपन सीरियल वाइज सेलेक्शन करेंगे इसके बाद के पैराग्राफ में। यहाँ तक तो हमारा सिर्फ एक्सटर्नल और वो चल रहा था, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट। प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें अलग अलग पॉइंट दिया है पेज नंबर 96 में। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इसका मतलब क्या है, प्राइवेट है, किसी प्राइवेट वर्कर्स ने या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेसमेंट एजेंसी ओपन की हो, ठीक है। वो क्या करेगी, जितने भी यहाँ वर्कर्स या एम्प्लॉई अपने आप को रिक्वायर करवाएंगे ये उनको जॉब प्रोवाइड करेगी। जैसे कुछ एजेंसी होते हैं, गवर्नमेंट के एजेंसी होते हैं और प्राइवेट के भी एजेंसी होते हैं। नहीं, जैसे कि आपका गवर्नमेंट अप्लाईमेंट ऑफिस है ना, वो क्या करता है, जॉब में भी या स्कूलों में भी प्लेसमेंट होता है ना जॉब के लिए दिया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो प्लेसमेंट उनको ऑफर किया जाता है स्कूल में हो गया या कॉलेज में हो गया, उनको कैंपस सेलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके थ्रू भी उनको जॉब प्रोवाइड की जाती है, और वो डिपेंड करता है वहां के हेड डायरेक्टर इनके ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टूडेंट कैसा है, ये इनका फिजिकल एक्टिविटीज कैसा है, इनका नॉलेज कैसा है। वो अगर हाँ जैसे बाहर से आते हैं, हाँ वो पहले बाहर से जब आएंगे एंट्री किए जैसे स्कूल में या कॉलेज में या कहीं भी पर्पस में कैंपस सेलेक्शन के लिए, अब वो आएंगे तो पहले हेड से मिलेंगे ना, हेड से मिले, अब उनसे पूरा डेटा कलेक्ट किया कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है, उसका फिजिकल कैसा है, उसका नॉलेज कैसा है, वो कैसा कर सकता है, कितना टाइम एक्सपेंड। तो ये सारा चीज जब वो डेटा कलेक्ट कर लेगा उसके बाद वो इंटरव्यू देगा कि अब जो बच्चे की क्वालिटी, वो उतने तो सेलेक्ट होगा ना, 100 बच्चे हैं तो 100 में 50 का हमको बहुत अच्छे से डेटा मिला, अब हम 50 में सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये हमको पता चलता है से कि ये बच्चे, इसके कैपेबिलिटी है, इनके पास ये यूटिलाइज टाइम यूटिलाइज करने के लिए है, तो ऐसा होता है, अपने से बच्चा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हो। अब क्या होता है, जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट का मतलब जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट का, जो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का भी क्या करती है, रजिस्टर करती है। कैसे, जैसे गवर्नमेंट क्या करता है, जॉब अप्लाई करता है अलग अलग पोस्ट के लिए। अब वहां जो अप्लाई कर रहा है अगर वो रजिस्ट्रेशन कराया, ये गवर्नमेंट का, तो यहाँ पैसा नहीं लगेगा। लेकिन प्राइवेट संस्था अगर एजेंसी खोली है, जैसे होता है ना कस्टमर केयर ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, आप देखोगे वैकेंसी में इस नंबर पे कॉल करिए आपको हम जॉब प्रोवाइड करेंगे, फिर उसके बाद जब हम जॉब अप्लाई के लिए उनको कॉल करते हैं वो दो चार जगह भेजेगा, नहीं हुआ तो आपकी किस्मत है, लेकिन हम उनको पेमेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि हमने अपने नाम से रजिस्टर कराया ना। अब उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, जैसे 1 मंथ 2 मंथ में हम आपको बताएंगे कि आप यहाँ जाइए यहाँ जाइए, वहां आप जा रहे हो फेस कर रहे हो इंटरव्यू, लेकिन आप सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो वो कंपनी की गलती नहीं है, वो बोलेगा जॉब प्रोवाइड हम करेंगे लेकिन इसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जॉब में जा रहे हैं इंटरव्यू देने, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो भी क्या करेगा, ऐसा थोड़ी कि आपने प्राइवेट संस्था उसको पैसा दे दिया, वो बात बताने का करेगा, उसका काम क्या रहेगा, ओनली प्लेसमेंट देने का, यानी कि आप यहाँ जाइए इस कंपनी में इतने पोस्ट खाली है वहां आप इंटरव्यू फेस करिए, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारा, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। सेकंड वाला हमारा देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होता है, ये लिखा है 4th पॉइंट में, देखो रिक्वायरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज,
इसका मतलब क्या हुआ, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट पर्सनल जॉब सिक्स रजिस्टर देयर नेम्स विथ हमारी बुक का है, इसलिए साइलेंट है। बुक नहीं लिए तुम लोग, तो मैं जो बोल रही समझ आ रहा है, पॉइंट आ रहा है समझ, क्योंकि यही सारे पॉइंट तुम लोग को एग्जाम में लिखने हैं। हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल वेरी इंपॉर्टेंट है जो बता रहे हो, एक एक बार रीड किया करो, बिजनेस तो बहुत अच्छा है। अब सबसे बड़ा अब देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ये जो एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट सोर्स है, याद रखना ये भी पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है जिसमें क्या होता है, जिस भी वर्कर को, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जो वर्कर्स होते हैं वो अपना नेम आकर रजिस्टर कराते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अप्लॉयमेंट ऑफिस जो गवर्नमेंट का है, ठीक है, गवर्नमेंट का, तो लोग अपना नाम और रजिस्टर कराते हैं अप्लाई। तुम लोग ने अपने कराया 10th 12th का सर्टिफिकेट? हाँ, तो वो जब हम लोग कराते हैं तो वहाँ हमारा मेंशन रहता है ना कि ये स्टूडेंट है, इसने 10th क्लियर किया है। वैसे 12th के बाद कराएंगे, फिर कॉलेज, जो भी आप डिग्री लेते हो उसका अप्लॉयमेंट में कराना होता है, ठीक है। अब वो एक डेट देता है कि 2 ईयर 3 ईयर के बाद आपको उसी डेट में उसको अटेज या रिन्यूअल कराना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज होता है। इसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर कराती है, क्यों, क्योंकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करता है, अप्लाई करने के लिए उनको बताता है कि अगर हमारे बिजनेस में, वो बताता है कि हमारे कंपनी में ये पोस्ट खाली है। जब आपके पास उस लेवल के स्टूडेंट या फिर इंजीनियर्स जो भी आएंगे, आप उनको हमारे यहाँ भेज सकते हो, ठीक है। ये एक्सचेंज होता है, यानी कि उसने यहाँ रजिस्टर कराया, स्टूडेंट, कॉलेज वर्कर हो जो भी है, अपनी डिग्री रजिस्टर कराया। अब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपने यहाँ रजिस्टर कराया। अब वो बोलेगा कि अगर आप क्या ऐसे ऐसे जब आएंगे तो हमारे यहाँ भेज दीजिए, तो एक्सचेंज हो गया। अगर वहां कोई आ रहा तो वहां से, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्लियर। नेक्स्ट है कैंपस रिक्वायरमेंट, जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या होता है कैंपस रिक्वायरमेंट? नहीं, कॉलेज चलते चलते या स्कूल के चलते जॉब मिलता है, खत्म होने के बाद घर से थोड़ी ले जाएगा। कैंपस सिलेक्शन आप जब तक उसके अंदर हो, वो आप करोगे, कंपनी देगी उसको, प्राइवेट करने के लिए देगी, कंपनी टाइम देगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया, जॉब प्रोवाइड है, आप ट्रेनिंग बेस में वहां कर रहे हो, तो आप ये भी करोगे और वो भी करोगे, नहीं, ठीक है। कैंपस रिक्वायरमेंट के बारे में तो सबको मालूम ही है। रिक्वायरमेंट क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी या स्टडी जो करते रहते हैं, डायरेक्टली आपको हायर किया जाता है। डायरेक्ट मतलब आपके कॉलेज या स्कूल में वो आएगा और आपको डायरेक्ट हायर करेगा। जैसे सबसे पहले कॉन्टेक्ट किधर करेगा, यूनिवर्सिटी के हेड से या स्कूल के किसी हेड से वो कॉन्टेक्ट करेगा। और जो जो मैंने आपको भी बताया, स्टूडेंट तभी जब वो परफॉर्म, उसके केबल, उसकी एबिलिटी उतनी होनी चाहिए कि वो उसको फाइट कर सके, उस हायर कर सके। किसी को भी उठा के अपनी कंपनी में नहीं ले जाएगा, क्योंकि देखे होगे अभी जैसे ये इंजीनियरिंग कॉलेज ये जगह, हाँ, ट्रेनिंग बेस पे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दे रहा है, ठीक है। आप देते हैं, वैसे भी ट्रेनिंग फ्री में कोई नहीं कराएगा आपको, उसके लिए भले हाफ सैलरी है, 20% जो भी दे, उस ट्रेनिंग बेस पे वो पेमेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद हो गया, अब हम लोग इसके बाद सिलेक्शन करने वाले थे, तो आज स्टार्ट कर ही देते हैं सिलेक्शन को भी। सिलेक्शन क्या होता है सबको मालूम है? सिलेक्शन क्या होता है सभी को मालूम है? क्या होता है? ऐसी थोड़ी सेलेक्ट कर लोगे, उसकी भी तो रूल्स होंगे ना कुछ। हाँ, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ अ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से 140 तक है ना, ठीक है। क्या मतलब हुआ
सेलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम किसी को भी उठा के सेलेक्ट नहीं कर लेते, ये काफी डिफिकल्ट है। आज 10 स्टूडेंट है, 10 में से हम डायरेक्ट कैसे उठा लेंगे उसको कि अच्छा दिख रहा है, ये हाइट है, ये कम हाइट है, ऐसा करके उठा लेंगे कि सेलेक्ट करना इजी है। हम बहुत सारे टेस्ट लेंगे, करने के बाद जाके हम जॉब में करते हैं ना, तो सेलेक्शन के भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? देखो क्या है बता रही हूँ, डिस्कवर मोड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट हमने जो दिया है वो किए, उसको फुलफिल करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। इसमें निगेटिव प्रोसेस भी होता है। कैसे निगेटिव प्रोसेस होता है, कैसे होगा निगेटिव प्रोसेस? जैसे कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट हो गए, ये हमारा निगेटिव प्रोसेस हो गया ना, ठीक है। सबसे पॉइंट यही हो गया, निगेटिव प्रोसेस। उसके बाद नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, ठीक है। अब नंबर क्यों ऐसा हुआ, 1000 वहां पे ऑलरेडी पोस्ट है हमारे पास 100, अब एप्लीकेशन कितना आया, तो डायरेक्ट 1000 में से हमको 100 को सेलेक्ट करना है, इजी है। अब हम क्या करेंगे, ये 500 या रिजेक्ट हो गए, ओनली 500 को हमें सेलेक्ट कर पाए। अब 500 से भी तो हमको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी किसी को ले लोगे। सब ये तो रिजेक्ट हो गए, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हो गए पहले ही लोग रिजेक्ट हो गए, एग्जाम हुआ इन लोग पास ही नहीं हुए, ठीक है। अब ये इतने पास हो गए, अब ये इतने पास हो गए, हमने 500 को पास कर दिया, ठीक है। लेकिन पास होने पे भी तो सेलेक्ट नहीं होते ना, बहुत सारे से फेस होके गुजरना पड़ता है, तो वो कैसे गुजरेंगे? इसके भी बहुत सारे तुम्हारे पास दिया हुआ ऑलरेडी बुक में, ठीक है। फर्स्ट प्रीलिमिनरी सेलेक्शन आता है, सबसे पहले प्रीलिमिनरी सेलेक्शन। क्या होता है प्रीलिमिनरी सेलेक्शन? फर्स्ट राउंड है ये प्रीलिमिनरी सेलेक्शन, कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन आर सेलेक्टेड, इतने एप्लीकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड बाय पर्सनल मैनेजर, इनको हैंडल कौन करेगा? ओनली पर्सनल मैनेजर, यानी जिस कंपनी का जो मैनेजर होगा वो शुरू में हैंडल कर लेगा इसको, ठीक है। इतने लोगों को खुद वो हैंडल कर लेगा। बेसिक क्वेश्चन आर आस्क रिलेटेड टू जॉब, अब एवरी पर्सन से बेसिक क्वेश्चन करेगा ओनली, ठीक है। अब बेसिक बेसिक में जो पास हो गए उनको हम आगे बढ़ाएंगे, और ठीक है फिर चेक उनका कॉन्फिडेंस, ऑफ कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस देखेंगे, आधे से ज्यादा तो विदाउट कॉन्फिडेंस में भी निकल जाते हैं, कोई डर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बहुत सारे रीजन होते हैं ना, हर कोई एकदम ऐसा नहीं बैठेगा। अगर अरे चार लोग बैठे हैं वो बैठ के ही देख के भाग जाएगा, ऐसा होता है ना, प्रोफेसर लोग को देख के ही कोई कोई तो रहन दो। तो ये सारा चीज फर्स्ट कंडीशन में हो गया हमारे पास। सेकंड आपका सेलेक्शन टेस्ट, सेकंड क्या है, अब सेलेक्शन टेस्ट में क्या होगा, सेलेक्शन टेस्ट में होगा ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर रिटन टेस्ट टू फाइंड आउट प्रैक्टिकल। अब ये होगा हमारा रिटन टेस्ट, उनको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको हर कोई तो रिटन टेस्ट में, ठीक है। अब उसके बाद हाँ, अब इंटेलिजेंट टेस्ट होंगे कि कितने उसमें क्या है हमारे पास, जो उस लेवल की इंटेलिजेंट मतलब उस लायक है, ये भी सिलेक्शन होंगे। नहीं ऐसा ना होगा, ठीक है। अब चेक, अब क्या करेंगे हम, चेक जनरल लेबल और इंटेलिजेंट ऑफ कैंडिडेट को देखेंगे कि उनका चेक करेंगे कि कितने इंटेलिजेंट है। जैसे कुछ बोलने वाले होते हैं तो वो दिखता है ना कि हाँ ये है, उसको आगे करते हैं पहले, जो साइलेंट है बैठा हुआ उसको पहले ही उसको साइड कर देते हैं, तो ये भी होता है।
ठीक है, ये भी चीज देखा जाता है। उसके बाद एप्टीट्यूड, बस इसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड। क्या होता है एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का मतलब होता है हाउ क्विकली कैंडिडेट लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड। क्या होता है इसका मतलब, जल्दी बताओ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एप्टीट्यूड, एक ही पियाना था, एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका मतलब होता है हाउ क्विकली कैंडिडेट लर्न न्यू स्किल एंड न्यू मेथड। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि तुरंत आपको कोई भी क्वेश्चन किया, आप तुरंत उसको कैच कर रहे होते हैं ना, किसी को एक मेथड बताए वो तुरंत उसको कैच कर रहा है, तो वो होता है एप्टीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अनन्या है ना, हाँ, जैसे फर्स्ट टाइम ने कोई क्वेश्चन इनको दिया कोई भी, उसने उसको कैच कर लिया, यानी फटाफट उसको और दूसरा आंसर भी बता सकते हैं। क्लियर है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ओरल टेस्ट कहीं नहीं होता है कि सिर्फ आप ओरली बोल के एग्जाम फाइट करोगे, ऐसा कहीं पॉसिबल ही नहीं है। प्राइवेट में भी अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको ऑलरेडी एक डेटा तैयार करके वो दे देते हैं कि आप इसको करो, उसके बाद आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे हम सेलेक्शन के ही पार्ट करेंगे बाद में।
कहाँ तक हो गया हमारा पर्सनालिटी? सेकंड राउंड तक कंप्लीट हो गए हैं। आफ्टर थर्सडे ना? ठीक है, यहाँ पे ट्रेड टैक्स और इंटरेस्ट टैक्स भी बच रहा है। ट्रेड टैक्स का मतलब होता है सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू जॉब स्किल आर आस्क्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अरे ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रेड टेस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रेड टेस्ट, हम तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है? ये वाला टेस्ट है, ये अभी हमारा इस राउंड का चल रहा है। इसका मतलब क्या बताई मैं अभी अभी? सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू द जॉब। रिलेटेड टू द जॉब में आप कहीं कंपनी में जा रहे हो तो कंपनी से रिलेटेड, अगर कॉटन मिल है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेंट लेवल में जा रहे हो तो हमको इस कंपनी के सारे नॉलेज होने चाहिए कि यहाँ किस चीज की कंपनी है, कैसा प्रोडक्शन है। अगर आप स्कूल में आ रहे हो, ठीक है, कॉमर्स टीचर के लिए आ रहे हो एग्जाम्पल, तो कॉमर्स तरीकों के लिए बोले तो उसका नॉलेज होना चाहिए या बिजनेस, तो ये होता है ट्रेड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक और बताती हूँ, फिर कल करेंगे। इंटरेस्ट टेस्ट तो पता ही है सभी को क्या होता है, टू फाइंड आउट इन विच फील्ड कैंडिडेट हैज मोर इंटरेस्ट, यानी वो जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा है उस फील्ड उस जॉब के बारे में उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। इंटरेस्ट है तब तो इंटरव्यू देने जाएगा वो, विदाउट इंटरेस्ट नहीं, वहां जाओ वैकेंसी निकला जाओ तो वहां जाके वो चुप ही रहेगा क्योंकि उसको तो उसी के बारे में नॉलेज नहीं है, घर वाले ने भेजा है या बाहर वाले ने, इसलिए मैं चलाया। क्लियर है? ओके, लीव इन द क्लास ऑल ऑफ यू।